बाइक की दुनिया में KTM एक ऐसा नाम है जिसको इंडियन यूथ ने काफी ज्यादा प्यार दिया है। आपको, मुझको और जो भी इंडियन यूथ है उसको KTM जरूर पसंद होगी, क्योंकि उसके लुक्स और उसका जो स्टाइल है वो हमेशा हर यूथ को पसंद आया है। और उसकी एक वजह भी है, क्योंकि KTM ने हमेशा बदलाव किया है, वक्त के साथ बदलाव ही इंसान को सक्सेस बनाता है, और यही ब्रांड के साथ है। उसी तरीके से KTM की जो सबसे ज़्यादा फेमस बाइक है KTM RC390 और Duke 390, उनमें अब बदलाव होने जा रहा है। अब ये बदलाव क्या है और कब होंगे ये आपको आगे वीडियो में देखने को पता चलेगा, बट उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगी। और ये बदलाव आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि ये मैं बस आपको लाइक अपने बोल के नहीं बताऊँगा, ये मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स भी दिखाऊँगा जो आपको देखने के बाद जरूर आपको ये बदलाव पसंद आएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब वाली बटन को दबाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन वाली बटन है उसको भी दबा के बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके दिस इंट्रो। KTM हमेशा जानी जाती है अपनी स्मॉलर स्पोर्ट्स बाइक के लिए, और ये बाइक्स लुक में, राइडिंग में, सब में परफेक्ट है, और इसलिए ये इंडियन यूथ की पहली पसंद है, क्योंकि एक आपको अच्छा फील भी देती है, साथ ही साथ आपको शानदार वाला लुक्स भी देती है। इसी तरीके से KTM ने हमेशा वक्त के साथ बदलाव किया है, और अब इसकी एक काफ़ी ज़्यादा फेमस बाइक में बदलाव होने वाला है। ये बदलाव 2020 में नहीं होगा, 2021 में होगा, बट 2021 को वक्त ही कितना बचा है, तो ये बदलाव आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और ये बदलाव क्या है इसके बारे में आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको एंड तक तो जरूर देखना है, बट चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि वो कंपलसरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, और आप इस इमेज को बताइए कि देख के बताइए कि आपको क्या बदलाव देखने को मिलता है। अब इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे बड़ा बदलाव जो KTM RC390 में है, वो है इसका फ्रंट हेडलाइट यूनिट। अब आपको इसमें जो फ्रंट में ग्लास लगा हुआ मिलता है हेडलाइट के ऊपर, जो कि लुक्स थोड़े और कूल बना रहा है, और गाड़ी को देखने में लाइक एक जो प्यारा सा एहसास होता है जब आप किसी बाइक को देखते हो और आपको वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, वो बाइक अभी देखने को लगती है। एग्रेसिव लुक भी इसमें है, बट उतनी एकदम जो एग्रेसिव लुक पुराना मॉडल का था मुझे इतना एग्रेसिव नहीं लग रहा है, बट एक जो आप एक प्लेजर लुक बोल सकते हैं वो जरूर इस बाइक को देखने में फील हो रहा है। साथ ही साथ इसमें जो LED का इंटीग्रेट किया गया विद फेयरिंग्स, इट्स ऑल्सो लुक अमेजिंग, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, और ये सबसे बड़ा चेंज हो सकता है RC390 में, जो कि KTM 390 RC आ रही है उसमें ये सबसे बड़ा चेंजेस हो सकता है। और ये बाइक लॉन्च कब होगी आपको लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो लास्ट तक कोई नहीं देखता। मैंने जो कल वीडियो डाली KTM की उसमें ना व्यूज़ आए थे, बट ठीक है, बट ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, सपोर्ट करो, सो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मुझे एक और बदलाव लगा, चेंज लगा, वो है इसकी डिस्क यूनिट में। और अब ये डिस्क यूनिट अगर आप देखेंगे, डिस्क ब्रेक हो या डिस्क प्लेट हो, चेंज लग रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने में लग रहा है। थर्ड चेंज मुझको लगा कि अब आपको इसमें जो सीट्स है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि KTM RC390 की प्लेन सीट तो थी नहीं, यही मालूम कि वो उधर पे थी नहीं क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, बट अब आपको जो न्यू बाइक मिली है इसमें एक प्लेन सीट देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगता है थोड़ी बहुत कंफर्टेबल होगी, और जो राइडर सीट है वो भी मुझे देखने में थोड़ी सी कंफर्टेबल देखने में लग रही है। साथ ही साथ जो KTM RC390 है इसमें आपको जो फुटरेस्ट वगैरह है वो भी डिफरेंट लोकेशन में देखने को मिल रहा है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। और यहाँ पे एक और बदलाव हो सकता है वो फ्रेम से रिलेटेड, तो ये कोई मतलब श्योरली नहीं है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंट में जो KTM RC390 मिलती है उसका फ्रेम परफेक्ट है इस बाइक के लिए भी, तो शायद KTM फ्रेम में चेंज ना करे, तो मगर इनके कुछ सब फ्रेम को भी देखा गया था फास्ट में, अगर उन फ्रेम को यूज करती है तो आपको सीट हाइट थोड़ी और कम
मिल सकती है KTM RC 390, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि इनका जो अभी ऑलरेडी जो उनका फ्रेम आपको KTM RC 390 मिलता है वो बिल्कुल रेस ट्रैक से बिल्कुल फिट है रेस ट्रैक के लिए, तो मे बी यहाँ पर कोई भी चेंजेस ना हो। अब इसके बाद जो चेंजेस देखने को मिलता है बाइक के अंदर वो है फेयरिंग में। फेयरिंग का भी लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और सिंपलियर लुक कर दिया है, बट वहाँ पर अभी उसमें जो पेंट यूज किया गया है वो टोटली ब्लैक है। और KTM जानी जाती है अपने रंग बिरंगे पेंटों के लिए, और खासकर इनका ऑरेंज और जो ब्लैक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है मुझे पर्सनली। सो अभी इसमें पेंट वगैरह नहीं है, बट जब इसमें डेकल्स लग जाएंगे और पेंट हो जाएगा तो मे बी ये गाड़ी और एग्रेसिव लगेगी, मगर अभी इस थीम में ये थोड़ा सिंपलर टाइप का लुक प्रेजेंट कर रही है ऑन रूट। अब ये कुछ चेंजेस मुझे इस बाइक में लगे, और साथ ही साथ एक और चीज़ है जो कि मैं श्योरली नहीं बोल सकता हूँ, बट आपको इसमें हेड जो यूनिट है जो इंजन की वो भी शायद आपको चेंज मिल सकती है या फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मिल सकता है इंजन के साथ, थोड़ा बहुत ट्विक करके दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बाइक थोड़ा बहुत पावर वगैरह या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि आपको इंजन में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले। हाँ, यहाँ पर एक और चेंज है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे अमेजिंग लगा, इसका साइलेंस इसमें एक्रोपॉविक का लगा है, और मे बी ये साइलेंसर अगर इंडिया में जाता है तो बहुत शानदार बात होगी, क्योंकि इसका साउंड डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा। और ये जो साइलेंसर है अगर इसको टेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि जो यूरोप के नॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंडियन नॉर्म्स है, तो अगर यूरोप के नॉर्म्स को ये फॉलो करके बाइक बनती है तो ज़रूर आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। और अगर इंडिया में ये चीज़ देखने को मिलती है ना, तो आप समझ लो आपकी बाइक की साउंड इतनी अमेजिंग होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा स्टार्ट करते ही। सो मे बी अगर ये चीज़ आती है और यूरोप नॉर्म्स के साथ ये चीज़ फिट करके बनाई जा रही है, एक्रोपॉविक का जो साइलेंसर लगा है उस चीज़ के साथ ये फिट करके बनाई जा रही है, तो अमेजिंग होगी बाइक, इसका साउंड बहुत अमेजिंग होगा, इसको चलाने में फिर आपको अल्टीमेट मजा आने वाला है। सो ये चीज़ ज़रूर देखने वाली होगी कि इसका साइलेंसर कौन सा आता है, क्योंकि इसमें जो अभी टेस्ट किया जा रहा है वो एक्रोपॉविक का साइलेंसर है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस बाइक की पिक्स में लोकेट की और आपको बताया। साथ ही साथ ये कब लॉन्च होगी, तो इसका लॉन्च 2021 में होना है। अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि 2021 के कौन से क्वार्टर में होगी, बट हाँ 2021 के किसी भी क्वार्टर में लॉन्च होना इसका पक्का। 2021 में या तो ये गाड़ी इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉन्च हो जाना चाहिए। सो गाइस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आई होगा। थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्योंकि आपका प्यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। बाकी मिलता हूँ आपको कल किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और अभी क्या है, मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी क्या है, मैं अपने घर पर हूँ और ये छोटा सा कस्बा है, सो मैं यहाँ पर रिव्यू वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, और क्योंकि मुझे बाइक्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। मैं भोपाल जाऊंगा जब जाके मैं रिव्यू वगैरह बाइक्स के बना पाऊंगा, तो प्लीज़ अभी वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, मगर हाँ मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कोई न्यू बाइक्स के लीक आते हैं, वो मैं आपको जरूर बताता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्यूचर में आपको हर एक बाइक का रिव्यू देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली मुझे मोटो ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक है, तो जैसे मैं एक्शन कैमरा परचेज करता हूँ उसके बाद आपको मोटो ब्लॉगिंग भी देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना। बाकी मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए बाय।